दोस्तों, मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था LG के 2020 मॉडल्स के बारे में, स्पेसिफिक टू अल्ट्रा HD, और आज फाइनली LG ने वो अनाउंस कर लिया है। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, और स्पेसिफिक टू बात करूंगा मैं UN7300 के बारे में। तो देखते हैं फिर क्या कुछ खास लेके आया है या नहीं, आपको ये टीवी लेनी चाहिए या नहीं, सब कुछ कवर होने वाला है। इसी के साथ ही साथ जो LG का पिछले साल का मॉडल था UM7300, एकदम हिट और पॉपुलर मॉडल था, उससे भी कंपेयर करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कौन सी टीवी आपके लिए परफेक्ट होगी। तो होने वाला धमाकेदार इसी वीडियो में सब कुछ। लेकिन उसके पहले, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना शुरू। बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है गेमर्स के लिए। जो लोग वेट कर रहे थे गेमिंग टीवी के लिए बजट में, या फिर थोड़ा सा बोलते हैं ना अच्छे प्राइस में, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पे LG ने बहुत अच्छा काम किया है गेमर्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं, अब इसके कौन कौन से वेरिएंट्स हैं इसमें UN7300 में। तो यहाँ पे आपको 5 वेरिएंट्स देखने मिल जाएंगे। शुरुआत होगी उसके वेरिएंट्स की 43 से, 50, 55, 60 और 70, ये 5 वेरिएंट्स आपको देखने मिल जाएंगे। और अब यहाँ पे बात करें इसके डिस्प्ले और पैनल के बारे में, तो यहाँ पर आपको LG का IPS पैनल देखने मिल जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छे व्यू एंगल्स होने वाले। 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ सभी टीवियाँ आने वाली है। और अब यहाँ पे बात करें इसके अपस्केलिंग के बारे में, तो यहाँ पर LG यूज कर रहा है बहुत अच्छा अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको HD का कंटेंट 4K में अपस्केल होकर बहुत ही अच्छी तरह से प्ले होने वाला है। और पिक्चर क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए LG यूज कर रहा है डायनेमिक कलर टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू कलर्स आपको विविड और नेचुरल देखने मिलेंगे। इसी के साथ ही साथ आपको नॉइस रिडक्शन भी देखने मिल जाएगा। नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी पिक्चर में नॉइस होता है, या फिर जो भी क्लैरिटी को इन्हांस करने के लिए यूज होगी, तो यहाँ पे आपको नॉइस रिडक्शन की भी टेक्नोलॉजी देखने मिल जाएगी। बात करें टीवी के HDR कैपेबिलिटीज के बारे में, तो इस टीवी में HDR, HDR10, HDR10 Pro, HLG Pro सभी का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट के बारे में, टीवी में आपको 50 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। और डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर उसका ध्यान रखने के लिए, यहाँ पे यूज किया जा रहा है क्वाड कोर प्रोसेसर, जिसके थ्रू जितने बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग होंगे सबको हैंडल यही प्रोसेसर करने वाला है। और बात करें टीवी के साउंड आउटपुट के बारे में, तो इस टीवी में आपको 20 वाट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा, उसमें से 10 वाट जो दिया गया है वो सबवूफर का दिया गया है। इसी के साथ ही साथ आपको AI अकॉस्टिक ट्यूनिंग देखने मिल जाएगी। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी करती क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे समझ लो आप टीवी देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो रूम का एनवायरमेंट है उसमें ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, मतलब कौन कौन बैठा है, मतलब अगर लोग सामने ही बैठे हैं तो ऑडियो जो है वो सामने की तरफ ही आएगा, अगर साइड में बैठे हैं तो साइड में भी ऑडियो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, और जहाँ पे उसको साउंड भेजना है वो ये टेक्नोलॉजी काम करती है, जिसका नाम है AI अकॉस्टिक ट्यूनिंग। बात करें टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये टीवी आती है WebOS के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। LG की टीवी में आपको हमेशा उसका प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम यही है WebOS, तो आपको LG की जितनी भी टीवी है उसमें यही ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलता है। और बात करें अब टीवी के कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो यहाँ पे ऑल OTT, मतलब समझ लो Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube, Z5, जो भी है सब कुछ आपको इसमें अच्छे से तरह से चलने वाला। और यहाँ पे जो पॉपुलर ऐप्स है वो आपको प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ये WebOS का ऑपरेटिंग सिस्टम है और LG की टीवी है, तो यहाँ पे आपको LG स्टोर देखने मिल जाएगा। यूजुअली जो एंड्रॉइड की टीवी होती है उसमें हमको गूगल का प्ले स्टोर देखने मिलता है, यहाँ पर आपको LG का प्ले स्टोर देखने मिल जाएगा। और अब यहाँ पे बात करें टीवी के कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में, तो ये टीवी में आपको आता है 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट, उसमें से एक पोर्ट eARC पोर्ट है, और जो HDMI पोर्ट है वो 2.0 कंप्लायंट है। और 2.0 के बारे में मैं थोड़ी सी आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। इसके बाद आपको टीवी में इथरनेट का पोर्ट देखने मिल जाएगा, लैन पोर्ट देखने मिल जाएगा, ऑडियो वीडियो का पोर्ट देखने मिल जाएगा। तो जितने भी रिक्वायर्ड पोर्ट होते हैं टीवी में आपको सभी इस टीवी में देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ आपको ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी, आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन देखने मिल रहा है यहाँ पर इस टीवी में। तो यहाँ पे आप बात करें स्मार्ट फीचर्स के बारे में, यूजुअली हम एज अ कस्टमर बहुत लोग उसी से अट्रैक्ट होते हैं कि भाई इसमें हम टीवी में ये स्मार्ट फीचर्स मिल रहा है। तो अब इस टीवी के बात करें स्मार्ट कैपेबिलिटीज के बारे में, इस टीवी में आपको वॉइस एनेबल रिमोट मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है, अमेजॉन अलेक्सा, एप्पल एयरप्ले 2, एप्पल होम किट, सभी का सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ आपको टीवी में मीराकास्ट का सपोर्ट भी दिया गया है। होम डैशबोर्ड मिलता है, होम डैशबोर्ड के थ्रू होता क्या कि समझ लो आपके पास घर में और भी स्मार्ट डिवाइसेस है, जैसे समझ लो बल्ब हो गया, लाइट हो गई और रेफ्रिजरेटर हो गया, बाकी जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस अगर कनेक्टेड है तो आपको LG में होम डैशबोर्ड मिल जाता है, जिसमें आपको पूरा दिखता है कि भाई आप वहां से हर चीजें कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपको LG में देखने मिलेगा, और जो कि बहुत अच्छी
अच्छी बात होगी इस टीवी की। और जैसा ही मैंने कहा कि यहाँ पे इस टीवी में आपको वॉइस एनेबल रिमोट तो मिल ही रहा है, इसी के साथ ही आपको मैजिक रिमोट भी मिल रहा है। मैजिक रिमोट समझ लो एक मैजिक का ही काम करता है, क्योंकि बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने पर्सनली यूज किया है उनकी जो पिछले साल वाली टीवी थी UM7300 में, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही धमाकेदार रहा। तो यहाँ पे उस रिमोट के बारे में मैं कहना चाहूंगा, वो रिमोट आपके लिए बोलते ना बहुत ही यूजर फ्रेंडली और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देता है। इसी के साथ ही साथ आपको क्लाउड फोटो और वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप LG के क्लाउड पे आपके फोटोज और वीडियोस अपलोड कर सकते हो और वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो ये आपको LG की तरफ से ये फीचर दिया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे बात करें कुछ और खास फीचर के बारे में, तो आपको इस टीवी में स्पोर्ट्स अलर्ट का ऑप्शन दिया गया, मतलब समझ लो आपको कोई स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर वो देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, तो यहाँ पे आपको वो आप रिमाइंडर सेट कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट नोटिफाई हो जाएगा टीवी के स्क्रीन पे। तो ये स्मार्ट कैपेबिलिटीज की बात हो गई। इसी के साथ ही आपको 2 ब्लूटूथ कनेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप 2 ब्लूटूथ एक साथ में कनेक्ट कर सकते हो। 2 ब्लूटूथ साउंड है उसको आप कनेक्ट करके साउंड का जो एक्सपीरियंस है उसको और दुगना कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे स्मार्ट फीचर्स आपको इस टीवी में देखने मिल जाएंगे। और दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि LG ने गेमर्स के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका किया है या बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए, तो भाई इस टीवी में आपको मिल रहा है VRR, मतलब वेरिएबल रिफ्रेश रेट, ALLM मतलब ऑटो लो लेटेंसी मोड, जिसके थ्रू आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही दुगना होने वाला है। और इसी के साथ ही साथ आपको HDIG का भी सपोर्ट देखने मिल जाएगा, मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा HDR इफेक्ट देखने मिलेगा जब आप गेमिंग कर रहे हो। इसी के साथ ही साथ जो ग्राफिक्स होंगे उसका जो कलर और बोलते हैं ना, देखने में बहुत ही मजा आएगा। तो ये सारी खास बातें हैं इस टीवी के बारे में जो आपको पिछले साल की टीवी में नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे अगर आप गेमिंग के शौकीन हो और गेमिंग करना पसंद करते हो और गेमिंग टीवी का वेट कर रहे थे, तो ये टीवी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप Xbox या PlayStation ले रहे हो इस साल का, जो आपको अक्टूबर या नवंबर महीने में आने वाला है, अगर वो आप लेने का प्लान कर रहे हो तो उसमें आप कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन एक कंडीशन आती है और कंडीशन यही है कि भाई उसमें आप 4K @60fps पे ही गेमिंग कर पाओगे, 4K @120fps पे गेमिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो HDMI पोर्ट दिया जा रहा है इस टीवी में 2.0 दिया गया है, और वहाँ पे जो आपको HDMI पोर्ट मिलता है वो 2.1 है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लिमिटेशन है। यहाँ पे गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छा टीवी का ऑप्शन निकल के आ रहा है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे अब सवाल उठता है कि भाई प्राइसिंग क्या है इस टीवी की। प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, कि मतलब आपको भाई पैसे दोगे और अगर बजट में मिल रहा है थोड़ा अपना, मतलब अपने बजट में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे अभी तक ये टीवी मार्केट में आई नहीं, मतलब ऑफलाइन भी नहीं है या ऑनलाइन भी नहीं आई है, लेकिन जैसे भी आएगी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसकी बाइंग लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा इसकी जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। LG की वेबसाइट पर अभी MRP मेंशन है। MRP का मतलब है कि समझ लो उससे कम ही प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कुछ कुछ शहर में ये अवेलेबल भी है UN7300, लेकिन कहीं कहीं अवेलेबल ही है, बहुत सिलेक्टेड एरियाज में ही है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए अगर आप ये गेमिंग टीवी लेने का वेट कर रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मतलब आपको एक अच्छा ब्रांड मिल रहा है, अच्छी पिक्चर क्वालिटी, अच्छा ऑडियो, गेमिंग का एक्सपीरियंस और बेटर सर्विस मिल रही है। तो जो लोग एक बजट कैटेगरी का टीवी लेने का सोचते हैं, उनके लिए मैं स्ट्रांग रिकमेंड करूंगा कि आपको ये टीवी लेनी चाहिए। भले अगर आप गेमिंग नहीं भी करते, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही तगड़ा रहा है, इसलिए मैं LG की टीवी हमेशा रिकमेंड करूंगा। और दोस्तों, अब सवाल उठता है कि भाई जो LG की पिछले साल की टीवी थी UM7300 2019 का मॉडल और UN7300 2020 का मॉडल, दोनों में क्या फर्क है, मतलब कौन सा लेना चाहिए। तो यहाँ पे भाई अगर समझ लो गेमिंग करना चाहते हो, आपको गेमिंग की चाहिए टीवी में, तो आपके लिए ये साल की टीवी जबरदस्त है, UN7300 ले लीजिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ बोलते हैं स्मार्ट फीचर्स चाहिए, अच्छी पिक्चर क्वालिटी चाहिए, तो UM7300 आपके लिए बहुत ही अच्छा पिक होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो 2019 का मॉडल है उसका प्राइसिंग आपको थोड़ा सा कम देखने मिलेगा, 2020 का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिवली टू 2019 का मॉडल। लेकिन अगर गेमिंग चाहिए तो भाई आपको ये टीवी कंसीडर करनी चाहिए, लेकिन अगर गेमिंग नहीं करनी चाहिए तो आपके लिए ये टीवी भी परफेक्ट होगी, तो आप कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होगी। इसी के साथ ही यही एक फ़र्क है, मतलब आपको इस साल की टीवी में गेमिंग का बोलते ना ऑप्शन दिया गया, जिसमें आपको अच्छा वेरिएबल रिफ्रेश रेट दिया गया है, ALM दिया, लो लेटेंसी मोड। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ें आपको गेमिंग में हेल्प करेंगी। HDIG जैसे मैंने कहा, वो भी आपको HDR इफेक्ट अच्छा मिलेगा,
ग्राफिक्स बहुत ही तगड़े देखने मिलेंगे इस टीवी में। तो ये सारी डिफरेंस है जो आपको इस साल की टीवी में देखने मिलेंगे। इसी के साथ ही साथ आपको एक और डिफरेंस देखने मिलेगा जो बोलते हैं डबल नॉइस रिडक्शन का, मतलब कि पिक्चर क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए इस बार LG ने डबल नॉइस रिडक्शन का फीचर भी दिया गया है 2020 के मॉडल में, जो आपको 19 में नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप गेमिंग के शौकीन नहीं हो, गेमिंग नहीं करना है, तो आप UM7300 ही लीजिए। लेकिन अगर भाई गेमिंग करना है तो आपके लिए ये टीवी मस्ट होगी और बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल कर आया। और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके लिए बाइंग लिंक लेके आ जाऊँ डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करते रहिए थोड़े थोड़े टाइम पे, मतलब हफ्ते दो हफ्ते में चेक करते रहिए, क्योंकि मैं जैसे ही मिलेगी मैं आप सभी के लिए आसानी से आप खरीद सको उसके लिए मैं बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों यही सारी डिटेल्स थी इस टीवी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए, आपने आपका डिसीजन ले लिया होगा। फिर भी कोई भी सवाल, सुझाव, कोई भी राय हो तो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है भाई, लाइक, बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के, तो लाइक जरूर करना। इसी के साथ ही शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे काफ़ी कुछ अपडेट्स डालते रहता है, और वहाँ पे आप DM करके कुछ अगर कुछ सवाल सुझाव हो तो वहाँ पे भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो बस अब मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय।